दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में फिर एक पार्सल है। मैं भी इसको खोल करके दिखाऊंगा। इसमें एक रुपए का नोट मैंने परचेज किया है, वो कौन सा रेयर गवर्नर का नोट है वो मैं आपको सारा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो में बने रही। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो इसमें आपको जानने को मिलेगा 2012-13 में जो नोट थे या जो नोट के बंडल थे एक रुपए वाले, उसका कीमत आज के डेट में कितना चल रहा है। दोस्तों विश्वास कीजिए उसका कीमत 4 से 5 गुना बढ़ गया है। तो दोस्तों वो कौन से नोट है और नोट के वैरायटीज अगर चेंज हो जाते हैं तो नोट में कैसा बदलाव आता है और नोट की कीमतों में कितना उछाल आता है, ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं इस पार्सल को खोल करके आपको दिखाता हूं कि मैंने किस गवर्नर का कैसा एक रुपए का नोट मंगाया है और वो आज के डेट में उसका कितना कीमत है। तो दोस्तों ये है वो तीन नोट जो मैंने अभी तत्काल में जो पार्सल मैंने खोला वही पार्सल से ये तीन नोट मैंने निकाले हैं जो मैंने परचेस किए हैं। दोस्तों इसका गवर्नर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ गवर्नर लिखे होंगे, एस भूतलिंगम इनका गवर्नर है। दोस्तों एस भूतलिंगम का गवर्नर काल में 1964, 1965 और 1966 में तीन प्रकार के नोट निकाले गए थे और तीनों के रेट अलग अलग हैं और तीनों में से सबसे ज्यादा रेयर कौन है या बने रही वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये इसका क्वालिटी नोट का आप देखो, ये तीन नोट मैंने खरीदे हैं एस भूतलिंगम के जो कि इनका 1966 वाला नोट है। आप इसके बैक साइड में देख सकते हो, आप इसमें यहाँ ईयर देख सकते हो, इसको आपको 1966 दिखाई दे रहा होगा। तो ये सबसे सस्ते नोट है एस भूतलिंगम के जिसका अभी का मार्केट प्राइस जो है वो 50 से 70-80 रुपए पीस चल रहे हैं अगर इस प्रकार का कंडीशन हो तो, जैसा कि मेरे हाथ में नोट है। दोस्तों इन तीनों नोटों को मैंने मात्र 240 रुपए में खरीदा है विद शिपिंग। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा मेरे पास 1966 का नोट था, मैंने कितने में खरीदा और कौन से गवर्नर का नोट था। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इसी गवर्नर का यानी कि एस भूतलिंगम के 1965 वाले नोट का। तो दोस्तों इसका प्रीफिक्स जो है ए से लेकर के तक निकाला गया था 1965 में और इसका कीमत अभी 150 से 170 रुपए के आसपास प्रति पीस चल रहा है। दोस्तों अगर एस भूतलिंगम के हम सबसे कीमती नोट के बारे में बात करें तो वो जारी हुआ था 1964 में जिसका प्रीफिक्स था ओनली ए, केवल ए ही एकमात्र उसका प्रीफिक्स बनाया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर नोट देख पा रहे हो यही वो नोट है दोस्तों जो सबसे ज्यादा महंगा एस भूतलिंगम का बिकता है। प्रति पीस इसका कीमत 12,000 रुपए के आसपास वर्तमान में भी चल रहा है। नोट का कीमत केवल गवर्नर के हिसाब से ही नहीं बढ़ता, बढ़ता कैसे है उसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं इस भूतलिंगम को ही लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए 1966 का जो कॉमन नोट है उसका कीमत 50 रुपए चल रहा है, लेकिन वही नोट अगर फैंसी नंबर में जारी हुआ हो तो उसका कीमत आसमान छू जाता, आप सोच नहीं सकते कि उसका कीमत कितना हो जाता है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर जो नोट देख रहे हो ये एस भूतलिंगम का ही नोट है जिसका पूरा अंक आपको 777 दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। दोस्तों ऐसे नोट की कीमत जो है ये कितना गंदा लग रहा है देखने में ये भी आप देखो, लेकिन इसका कीमत आसमान छूता है। प्रति पीस इस नोट का कीमत 17 से 18 हजार रुपया होता है। जी हाँ दोस्तों, और इतने में ये बिका भी है। दोस्तों इन्हीं गवर्नर के यानी कि एस भूतलिंगम के अगर किसी अन्य नोट के वैरायटी के बारे में हम बात करें तो उसका देखो कीमत कैसे बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह एक्स्ट्रा पेपर वाला एस भूतलिंगम साहब का नोट है। दोस्तों इसका कीमत आप देख लो, इसका कीमत प्रति पीस अभी 26 से 30 हजार रुपया के आसपास चल रहा है और इतने में यह नोट बिका भी है। तो दोस्तों समझ लो कि जैसे जैसे नोट के वैरायटीज में चेंजेस होते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं एक अन्य गवर्नर का आपको बात करता हूँ, जैसे एचएम पटेल साहब का ये नोट आप देखो, इसका सीरीज जो है वो 10 लाख है और ये नोट जो है वो ग्रेडिंग करवाया हुआ नोट है। दोस्तों ग्रेडिंग करवाने से जो अच्छे नोट होते हैं, अच्छे फैंसी नंबर वाले नोट होते हैं, उनकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपको पहले भी वीडियो में जानकारी कहीं ना कहीं से मिली होगी, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप जान लो कि ग्रेडिंग करवाना एक बहुत अच्छा काम है जिससे आप नोट की कीमत जो है वो बढ़ा सकते हो और वो हमेशा के लिए सुरक्षित भी हो जाता है। तो दोस्तों ये 10 लाख सीरीज का जो नोट आप देख रहे हो, एक रुपए का एक एचएम पटेल साहब का नोट है, इसकी कीमत जो कि आज के डेट में 1,70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। जी हाँ, और 1,70,000 रुपए में ये नोट पहले बिक भी चुका है। दोस्तों उसी तरह हम मान लेते हैं कि एस भूतलिंगम के जो 1964 में जो रेयर नोट जारी हुआ था जिसका एक का कीमत 12,000 है, आप सोचो कि अगर उसका एक फैंसी नंबर कोई नोट मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा पेपर मनी वाला कोई नोट मिल जाए तो आप सोचो कि उसका कीमत कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों नोट के वैरायटीज जब चेंज होते हैं, कुछ उसमें कमियां आ जाती है, खामियां आ जाती है,
या फैंसी नंबर आदि वाले नोट होते हैं तो वो सामान्य से ज्यादा भाव में ही बिकते हैं। अब वो थोड़े गंदे भी हो जाएं और पुराने गवर्नर के नोट हो तो उसका भाव, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको एस भूतलिंगम का नोट दिखाया उसका सारे का सीरियल नंबर 77 था और कितना गंदा नोट था, लेकिन फिर भी वो नोट 17,000 रुपए में बिका। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि नोट कैसे बिकते हैं, उनका कीमत कैसे तय होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है नोट का कीमत कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। आपके पास ऑक्शन हाउसेस हैं, ऑनलाइन आप जाओ ऑक्शन हाउसेस में चेक करो, अलग अलग प्रकार के एक से एक ऑक्शन हाउस है, उसमें आपको ये सारे नोट देखने को मिलेंगे जो जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक रुपए के एस भूतलिंगम साहब का नोट के बंडल के बारे में। दोस्तों इसका जो 1966 का नोट का बंडल का कीमत है आज के डेट में 4,000 से 4,500 रुपए चल रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर बंडल देख रहे हो यह सबसे सस्ता वाला बंडल है। दोस्तों अगर बात करते हैं 1965 वाले का तो इसका कीमत आज के डेट में कम से कम 12,000 से 15,000 रुपए चल रहा है। और दोस्तों ये बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर एस भूतलिंगम साहब का 1964 का गड्डी आपको मिल जाए ए प्रीफिक्स वाला तो उसका कीमत 12,000 से 15,000 रुपए भी हो सकते हैं। दोस्तों मैंने वैसा गड्डी देखा नहीं इसलिए मैं कंफर्म रेट नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन एक अनुमान अगर लेके चले तो 12,000 से 15,000 रुपए उसका आज का वर्तमान कीमत हो जाना चाहिए। अगर सामने वाले को उस गड्डी की दरकार है और उसको वो गड्डी चाहिए और आपके पास है तो हो सकता है वो आपको 20,00,000 रुपए भी दे दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार नोट का भाव तय होता है। जो नोट अलग अलग वेराइटीज में होते हैं एक ही गवर्नर के होते हैं लेकिन उनका कीमत जो है वो घटता बढ़ता जाता है नोट की क्वालिटी और उसके वेराइटी के अनुसार। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्त मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।